फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में आत्मघाती हमले में पूरी बस में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 44 जवान थे उन पर एक बहुत ही निंदनीय घटना के द्वारा जो विस्फोट हुआ था उसमें 44 जवान जो शहीद हुए हैं, आज हम राष्ट्रीय हिंदू महासभा के प्रवास संगठन के सभी लोग उनको शहादत देने हेतु विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आज रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर सभी एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सभी को विदित है कि आज के दिन सभी लोग प्रेम दिवस और अंग्रेजी रीतियों के अनुसार कई दिवस मनाते हैं, हम उन सब का विरोध करते हैं। ये पुरानी कुरीतियाँ और जो अंग्रेजी कुरीतियाँ हैं इनसे हम लोग विच्छेद करते हुए हम जो देश के शहादत हुए हैं उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं विनोद पाठक, मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत, झांसी। जय हिंद, जय भारत। और मैं अब और भी हमारे संगठन परिवार के लोग जो हैं इस शहादत देते हुए कुछ वक्तव्य अपने पेश करना चाहते हैं। मैं देश को प्रस्तुति के लिए आवित करूँगा श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी, जो कि हमारी बुंदेलखंड मीडिया प्रभारी जी हैं। जी अग्रवाल जी, 14 फरवरी 2019 का दिन देश के वीर जवानों ने अपना देश के प्रति कर्तव्य निभा दिया और वे चित्त निद्रा में सो गए। आज हम सभी संगठन परिवार के सभी आदरणीय सदस्यों को नमन करते हैं, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर साहब श्री देवेंद्र श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि वो शहादत के प्रति दो शब्द विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बोलने का व्यक्त करें। 14 फरवरी आज के दिन ही पुलवामा में जो बहुत ही विभत्स कृत्य हुआ था उससे हम सारे लोग पूरे देशवासी बहुत आहत हुए थे। आज हम सारे लोग राष्ट्रीय हिंदू सभा के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी 44 जवानों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।